कपड़ा पहन। गाइज हमारी चाय वही हो चुकी है भाई, और अभी हम निकल रहे आगे आगे पहुंचेंगे अभी लेक पे। यहाँ से लगा लो 8-9 किलोमीटर का रास्ता रहता है, तो 8-9 किलोमीटर पहुंच के और फिर मिलते हैं हम आपसे। वैसे यार प्रॉपर बारिश का मौसम हो रहा है और सामने बिल्कुल धुंध ही धुंध है, तो क्लियर नहीं है मौसम, साफ नहीं है, तो धुंध का मौसम हो रहा है सारा। पर गाइज बारिश नहीं आनी चाहिए, अगर बारिश आ गई तो हमारा सारा प्रोग्राम मतलब ख़राब हो जाएगा। वहाँ लेक पे जाएंगे तो बारिश में कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना घूम पाएंगे, तो टोटली सारा प्रोग्राम मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज बारिश नहीं आनी चाहिए, बस हम तो यही चाहेंगे बारिश नहीं आनी चाहिए। ऐसा मौसम है, ऐसा चलेगा, ठीक है, अच्छा मौसम है। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं भाई, लेक के पास पहुंच चुके हैं, तो अभी गाड़ी पार्क करेंगे सबसे पहले, तो वो सामने आपको दिख रही है लेक। तो गाइज हम एक बार गाड़ी अंदर लेके जाएंगे, पार्किंग में लेके जाएंगे और गाड़ी पार्क करेंगे, और गाड़ी पार्क करने के बाद फिर हम जाएंगे अंदर और फिर देखते हैं भाई आगे का शेड्यूल क्या रहता है। तो सबसे पहला काम तो हमारा गाड़ी पार्क करना है, गाड़ी सेफ खड़ी हो जाएगी, उसके बाद फिर किस साइड लगाओगे? राइट ले लेना, राइट राइट ले लो, लेफ्ट में तो ज़्यादा खड़ी है भाई। टिक्कर ताल लेक, लेक का नाम है टिक्कर ताल। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं लेक पे, तो अभी हमने गाड़ी पार्क कर दी है, तो गाइस अभी हम चलते हैं अंदर, अंदर जाके फिर देखेंगे अंदर क्या कुछ है। तो चलो गाइस चलते हैं अंदर। किस साइड से चलोगे? इस साइड से आ जाओ, इस साइड से। गाइज हम पहुंच चुके हैं भाई लेक पे, और अभी हम एक बार जो भी यहाँ पर्ची वर्ची कटती होगी शायद मेरे हिसाब से, चलो एक बार पूछ लेते हैं क्या कुछ प्रोसीजर है इनका। तो गाइज वैसे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ लेक का व्यू। तो गाइज चलो एक बार अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ है, तो चलो आ जाके फिर दिखाते हैं हम आपको। बहुत ही शानदार मतलब खूबसूरत व्यू है भाई, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। तो गाइज हम सबसे पहले जाएंगे वहाँ जो लेक के साइड में एक पॉइंट बना हुआ है, वहाँ जाएंगे, वहाँ से 2-4 फोटो शूट करेंगे, तो चलो वहाँ चलते हैं एक बार। गाइज मैं पहुँच चुका हूँ भाई लेक के अंदर, ये देखो पीछे आपको व्यू दिख रहा होगा, तो मतलब बहुत ही अच्छा व्यू है ये देखो आप। तो गाइज चलो मैं एक बार वहाँ पीछे वो पॉइंट है, तो चलो एक बार वहाँ पॉइंट पे चलते हैं, वहाँ एक आध फोटो छोटो शूट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ कोई ये है ना जो बोट वगैरह, उसमें देखेंगे एक बार, पहले डिस्कस करेंगे कौन सी बोट में जाना है या नहीं जाना है, तो एक बार भाई से डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे भाई कौन सी बोट में जाना है। तो चलो एक बार उस पॉइंट पे चलते हैं, हम वहाँ एक आध फोटो शूट कर लेते हैं। तो बारिश के कारण जो ये यहाँ पे इस पे टाइलें लगी हुई है और बहुत ही मतलब गीली हो के और फिसलने वाली हो रही है भाई, इन पे मतलब बहुत डर लगता है आते टाइम, फिसलने का बहुत डर है इस पे। तो गाइस चलो हम भी अंदर चलते हैं, वहाँ जाके फोटो शूट करेंगे 2-4, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, और फिर इन बोट में इसमें घूमेंगे, इस बोट के लिए नीचे जाके उस भाई से बात करेंगे क्या कुछ चार्ज है, चलो उसमें चलेंगे, उस वाले में कन्फ्यूजन है, इसमें जाएंगे उसमें जाएंगे, तो कोई नहीं वो डिसाइड करेंगे अभी नीचे जाके बलराम जी से पूछेंगे कौन सी बोट में जाना है। अभी ये बोट दिखाई है, तो चलो एक बार उस बोट वाले भैया से बात करते हैं कैसे क्या है इसका प्रोसीजर, तो अगर उसने अकेले ने मेरे को चलाने दी तो मैं उसको चलाऊंगा, अगर वो मेरे साथ जाएगा तो फ़ायदा क्या है, वो तो ऐसे घुमाने वाली बात होगी। तो चलो मैं एक बार उससे जाके बात करता हूँ और फिर बताता हूँ मैं आपको क्या रहता है। बोट वाले भैया से मेरी बात हुई थी, वो बोला भाई
कि इसका 1000 रुपये चार्ज लगेगा और इसको मैं ड्राइव करूँगा, आपने बैठना बैठना है इस पर। तो एक तरह से बारी देने वाला काम है भाई, मैं बारी दे लाऊँगा और उसका 1000 रुपये चार्ज लगेगा और ड्राइव वो करेगा। मैं बोला भाई अगर मेरे को चलाने देता हो तो 1000 रुपये दे देंगे और फिर मैं घुमा लाऊँगा इसको 2 बार, तो ये तो ठीक भी रहेगा। ऐसे तो जैसे उसने बताया ऐसे तो ठीक नहीं रहेगा। तो गाइस वो तो हमने जो था प्रोग्राम वो तो कर दिया हमने कैंसिल, और अब भी थोड़ी सी भूख लगी है, हमने कुछ खाया नहीं था तो अभी हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ अंदर ही रेस्टोरेंट है तो हम जा रहे हैं अंदर रेस्टोरेंट में, तो हल्का फुल्का खाना ले लेते गाइस। तो चलो चलते हैं वहाँ पर। बलराम जी जा चुके हैं वहाँ आगे, और जो भाई थे सेंटी और वो संदीप वो भी जा चुके हैं, तो चलो मैं भी चलता हूँ वहाँ पे। हम हो चुके हैं भाई यहाँ से फ्री, हमने खाना वाना ले लिया है जो भी हल्का फुल्का लेना था, और वहाँ पे मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा था, और इसलिए वहाँ पे वीडियो शूट करना मैंने भूल भी गया था, और क्योंकि भीड़ भी ज़्यादा थी तो वीडियो शूट नहीं कर पाया मैं वहाँ पे। तो गए चलो हम खाना वाना लेके यहाँ से फ्री हो चुके हैं और हम चलते हैं अभी आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, और वहाँ चल के फिर मिलते हैं आपसे। चलो हम पहुँच गए अभी गाड़ी में और बैठ जाते हैं और फिर हम हो रहे हैं अभी रवाना यहाँ से। तो बाय बाय टिक्कर तार लेक, फिर मिलेंगे कभी। तो मेरे को वो दिखा कुछ, वो शायद लोमड़ी है तो हमारे को देख के भाग गई जो भी है। तो अभी यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो जा चुकी है। तो अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट स्टॉप पे मिलेंगे अभी। अभी हम आगे रुकेंगे यार क्योंकि भूख लगी हुई है, तो थोड़ा कुछ खाना वाना लेंगे। तो अभी हम वहीं रुकेंगे, खाना वाना नहीं मैगी लेंगे गाइस, यहाँ रोक लेते हैं। हमने लिया है छोटा सा ब्रेक यहाँ पे, और हमने बोल दिया मैगी क्योंकि भाई की इच्छा थी मैगी खाने की, तो मैगी ऑर्डर कर दी हमने। पीछे जो रेस्टोरेंट है बैक में दिख रहा होगा आपको पीछे, तो हमने वहाँ पे मैगी ऑर्डर कर दी है, 4 मैगी ऑर्डर कर दी है। तो अभी खाएंगे गाइस गर्मा गर्म मैगी, और मैगी खा के और फिर निकलेंगे हम आगे। हमारी मैगी आ चुकी भाई, और ये देखो। तो गाइस अभी हम अपने मैगी का टेस्ट लेते हैं, चख लेते हैं थोड़ी थोड़ी। तो चलो एक बार मैगी खा लेते हैं हम। तो ये प्लेट अभी 60 रुपये की, थोड़ी कॉस्टली है, चलो टेस्ट करते हैं। गाइस मैगी बहुत ही टेस्टी बना रखी थी मेरे भाई ने, तो हमारा हो गया अभी मैगी वाला प्रोसीजर भी अभी ख़त्म हो गया है, मैगी खा ली हमने, और अब हम कर रहे हैं भाई आगे चलने की तैयारी, नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो चलो भाई निकलेंगे अभी यहाँ से, भी हम निकल रहे हैं भाई यहाँ से। तो गाड़ी घुमा लेते हैं, गाड़ी पार्क कर रखी थी तो ये आप देख रहे हो गाइस गाड़ी कितनी गंदी हो गई भाई, ये बारिश का और ये रोड ख़राब है जो उनका नतीजा है। अभी हम यहाँ से चल पड़े, अभी फ्री हो गए, वादियों का नज़ारा ले रहे हैं हम, ठीक है। तो नज़ारा हम आपको भी दे रहे हैं, मतलब व्लॉग में आपको फुल मज़ा आ रहा होगा। तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो भाई हम जाते टाइम गए थे दूसरे रास्ते से, वो रास्ता बहुत ही ख़राब था तो इसलिए हमने रास्ता चेंज कर दिया गाइस। अब भी हम दूसरे रास्ते से आ रहे हैं आते टाइम, अभी हमारी वापसी हो रही है, हम जाएंगे पंचकुला। तो अभी हम मोरनी से वापसी हो चुके हैं, तो गाइस हमने रास्ता चेंज कर दिया गाइस। वो पहले वाला रास्ता बहुत ही बकवास रास्ता था, तो वहाँ पर मतलब टूटे फूटे रोड ज़्यादा थे, तो हमने बीच में से रास्ता डाइवर्ट कर दिया है। तो अभी हम सीधा मोरनी से पहले पिंजौर जाना पड़ता था, तो अभी हम मोरनी से सीधा हम जाएंगे पंचकुला। तो गाइस बहुत ही मतलब अच्छा रास्ता है ये, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, रास्ता क्लीन एंड क्लियर है। तो गाइस चलो अभी हम पहुंचते हैं मोरनी से पंचकुला। तो गाइस पंचकुला पहुंच के और फिर लेंगे हम वहाँ पहुँच के फिर लेंगे स्टॉप। तो देखो गाइस मतलब यहाँ पे भी मतलब बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, शानदार व्यू है भाई, मतलब कहते हैं ना प्रकृति का करिश्मा,
मतलब खूबसूरती जो है यहाँ दिख रही है। तो भाई चलो आप भी देखते रहिए और हम पहुँच जाते हैं पंचकुला। पंचकुला पहुँच के फिर लेते हैं वहाँ पे स्टॉप। तो भाई चलो पहुँचते हैं। अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और अभी हम जाएंगे पंचकुला। पंचकुला हमारे यहाँ से पड़ता है 10 किलोमीटर पड़ता है। तो गाइज अभी हम वहाँ पहुँचेंगे, तो वहाँ पहुँच के फिर मिलते हैं हम आपसे। तो गाइज अभी हमारा खाना वाना भी हो चुका है भाई और घूमना भी हो चुका है। तो अभी हम पहुंच के करेंगे रेस्ट। गाइज हम पहुंच चुके हैं भाई पंचकुला और तो अभी पहुंच गए भाई। अभी यहाँ हम रुकेंगे, अभी रेस्ट वेस्ट करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद फिर देखेंगे अपना नेक्स्ट प्रोग्राम क्या होगा हमारा। तो गाइज मैं कर रहा हूँ इस व्लॉग का यहीं पे एंड। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।